हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ग्लेशियर्स श्रैंक 1 मीटर इन ईयर इन अ डेकेड, तो WMO ने बोला है। चलिए देखते हैं। इन 2011 2020 डेकेड, दो वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री सॉ दी लोएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट, सो द रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला है कि ये तो पहली बात वार्मेस्ट एवर डेकेड है, ठीक है, 2020 2020, पर यहाँ पे लोवेस्ट नंबर ऑफ डेथ हुए एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से। द एजेंसी एट्रीब्यूटेड दिस टू एन इम्प्रूवमेंट इन द अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को इन्होंने बोला है कि वेरी गुड, ड्रिवन इम्प्रूवमेंट्स इन द फोरकास्टिंग एंड बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया। इंडिया फॉर इंस्टेंस इम्प्रूवमेंट इन फोरकास्टिंग साइक्लोन फॉर्मेशन एंड द टाइम इट टुक टू रीच लैंड लेड टू ग्रेटर प्रिपेयर्डनेस एंड इवैक्यूएशन इन दोज मोस्ट एट रिस्क। इन 2020 डेकेड वाज द फर्स्ट सिंस 1950 व्हेन देयर वाज नो सिंगल इवेंट विद 10,000 डेथ्स और मोर, सेज द रिपोर्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। इतना रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट दिस वाज द फर्स्ट डेकेड दैट डिप्लीटेड ओजोन होल विजिबली शोड रिकवरी, तो ये पहला यहाँ ओजोन होल की थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखी है। ग्लेशियर्स डेथ वर मेजर्ड अराउंड थिन बाय अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर पर ईयर ऑन द एवरेज बिटवीन, इतना तो मतलब 10 साल में 10 मीटर टोटल थिन हो गया। ग्रीनलैंड एंड द एंटार्क्टिक लॉस्ट 38% ड्यूरिंग द पीरियड देन ड्यूरिंग 2001 to 2010 पीरियड। अगर उस समय आप समझिए 100% आप समझिए लॉस हो रहा था, नहीं 100% तो खैर हो नहीं सकता, 50% हो रहा था, तो उससे 38% ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर मानो 100 यूनिट लॉस हो रहा था पिछले 2001 से 2010 में, तो 2011 से 2030 में 138 यूनिट लॉस हुआ है। द रिपोर्ट ऑफ dimension of the 2021 Uttarakhand rock avalanche that was triggered from in the Nanda Devi glacier in Himalayas. The report further underlined human caused climate change significantly increased the risk from extreme heat events. Heat waves were responsible for the highest of human casualties, while tropical cyclone caused the most economic damage. Public and private climate finance almost doubled during this period. It needed to increase at least 7 times by the end of this decade to achieve climate objectives, including keeping global temperature from rising by more than 4.5 degrees Celsius by the end of this century. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहले WMO का रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट का नाम आपका बताइए, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 2020, ठीक है, ये आपका रिपोर्ट का नाम हो गया। देखिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना, 2011 2020 2020, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। वार्मेस्ट एवर डेकेड, ठीक है, पहली चीज ये हुई। दूसरी इसमें आप देखिए वार्मेस्ट एवर डेकेड हो गया और लोवेस्ट नंबर डेथ, लोवेस्ट नंबर डेथ्स ड्यू टू एक्सट्रीम इवेंट्स। इसका क्रेडिट किसको जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट इसको जाता है, और बेटर फॉरकास्टिंग लिख लो, ठीक है, बेटर फॉरकास्टिंग। और इसमें क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू 2001 to 2010, 38%
मोर ग्लेशियर मेल्ट, ठीक है, ठीक है, एंटार्क्टिक और इसमें ऑन एवरेज 1 मीटर आइस थिनिंग एवरी ईयर, इसका मतलब 10 मीटर इन 10 ईयर। और यहाँ पे नंदी का इसमें मेंशन हुआ है, ठीक है, ह्यूमन क्लाइमेट चेंज जो है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, रिस्क फॉर एक्सट्रीम हीट इवेंट्स प्लस रिस्क फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, ये इंक्रीज हुआ है। ट्रॉपिकल कॉज्ड सिक्स्थ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मोस्ट डैमेज किया है उन्होंने, तो हीट वेव्स का पार्ट हो गया, ये हो गया। पब्लिक प्राइवेट जो है डबल हुआ है, अब देखो 7 फाइनेंस जो है इनटू 2 हुआ है, बट गोल ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस इनटू 7 टाइम्स नीड टू बी डन, ये चीज था। और बस ये 1.5 डिग्री वाला गोल हमें करने के लिए इनटू 7 टाइम फाइनेंस को, NaNCER फाइनेंस को डबल से करके इनटू 2 हो गया पब्लिक फाइनेंस, उसको इनटू गोल को अचीव करने के लिए इनटू 7 करना है। बस इतना ही था इस आपके ग्लोबल क्लाइमेट 2011-22 के रिपोर्ट में। सो थैंक यू गाइस, टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।